अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है और ये नाश्ता रेडी है आसिफ का। तो ये आसिफ रेडी हो गई है, तो रेडी हो जाए फिर मिलवाती हूँ। आसिफ के जाने के बाद बन गया है बच्चों का ब्रेकफास्ट। और अब हुरैन आपका हो गया वॉश, टीथ ब्रश हो गए, गुड गर्ल। और यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका है, ये ज़बरदस्त से ऑमलेट। हैंड साफ करने वॉश किए हैं, अच्छा टीथ दिखाओ, इतने प्यारे मेरी गुड़िया के टीथ साफ हुए हैं, वेरी गुड। बाय टॉवल है, तो बस चाय हमारी रेडी है, चाय जैसी रेडी थोड़ी सी रह गई है, पच्ची दिन से कलर निकल आए तो मैं चाय डालती हूँ। तो हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और फिर करेंगे फ्राइडे की तैयारी, कपड़े वगैरह इस्त्री करेंगे, वॉशिंग में भी आज लगे हुए हैं। आओ, तो माशाल्लाह से बच्चे जुमा पढ़ के आ चुके हैं और अब ये पढ़े सुपारा और एक ने पढ़नी होती है सूरह कहफ। आज किसकी बारी है सूरह कहफ की? तो अच्छा, जिराफे पढ़ रहे सूरह कहफ, लास्ट फ्राइडे को अली ने पढ़ी थी, है ना। आप ही उसका याद कर रहे हैं। और हुरैन ने मेरे साथ पढ़ी है नमाज, माशाल्लाह से अपना दुपट्टा लेके इतनी प्यारी लग रही है। दुआ की है आपने हुरैन? किसके लिए दुआ की है? नहीं की, जल्दी से कर लो, किसके लिए करोगी? और पापा के लिए, सबके लिए करोगी। और यहाँ पे तलहा भी नहा के फ्रेश हो गया और आज मेरा बेटा खुद नहाया है, माशाल्लाह से बड़ा हो गया ना तलहा, अब काफ़ी काम खुद करने लग गया है माशाल्लाह से। तो चलो अच्छा, अभी इसकी मेरी ड्यूटीज़ तो थोड़ी सी कम हुई हैं और अभी इसकी हैं, तो इंशाल्लाह से ये भी मेरी जान बड़ी हो जाएगी। हाँ, इसकी तो सही ड्यूटीज़ शुरू हुई हैं और बच्चों का पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, और मज़ीद 2-3 साल बाद इन्होंने इतने माशाल्लाह से बड़े हो जाने, पता भी नहीं चलना टाइम का। हाँ, गर्मी लग रही है, चलो पढ़ लिए तो उतार दो। हाँ, ये जो हमारी YouTube की वीडियोस है ना, ये हमारी मेमोरीज हैं, तो ये जब बड़े होंगे बच्चे तो ये सब देखेंगे कि इनकी मामा ने कैसे इनको पाला है। बहुत अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। और चेक करते हैं जी हमारे कपड़े कहाँ तक पहुँचे। बस लास्ट पूर मैंने डाला हुआ है क्योंकि सब नहाए थे, तो फिर मैंने वो वाला पूर भी निकाल लिया। और किचन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट है। और मैंने आज पकाना क्या, पहले मैं आपको चलो ये दिखा देती हूँ। तो आज आसिफ मुझे दे के गए थे तोरियाँ, और आसिफ की ये इतनी फेवरेट है कि ये गर्मियों में इतनी पकती हैं ना, बहुत पकती हैं। तो आज हम इंजॉय करेंगे तोरियों का सालन। हाँ जी हुरी, क्या कहना है आपने? हुरी ने कुछ कहना है भाई? अच्छा, हुरी अपना नाश्ता फिनिश कर रही है, अब पराठा खा रही है। ये दो हिस्सों में नाश्ता करती है अपना, पराठा हो तो ये तो 2-3 किस्तों में खाती है। आराम से खो, छोटी बाइट लो मेरी जान, मेरी बेटी भी भरी हो गई है, खुद खाना खा लेती है ना, गुड गर्ल। चले जी, अब कपड़े चेक कर लूँ और बस अभी हमने क्या करना है, बस अब खाना है, पकाने की तैयारी शुरू करेंगे। और यहाँ पे मिट्ठू भी नहाया था हमारा, आज फ्राइडे का फ्राइडे, मिट्ठू भी नहाता है और ये इधर धूप में बैठा हुआ था। बस अभी पानी जा रहा है, तो ये लास्ट पूर है तो ये होता है, तो बस फिर। और तकरीबन ये कपड़े धुल गए थे, वाइट वाले धुल गए थे, मैंने छत पे भी डाले हैं काफ़ी कपड़े। हाँ जी, छोटी सी वाइट लो मानो। फ्रेंड्स कैसे सब, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बना रही हूँ अपनी शाम की चाय। तो आज सिर्फ चाय पीनी है और कुछ नहीं खाना, तो चाय बना के तो फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। चले जी, यहाँ पे तो मेरा तोरियों का सालन कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा है पानी, आपको तोरियों में ज़्यादा हो जाता है, तो बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो ये सेट है। धनिया मैंने काट के रखा है और यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, जो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है। तो बस ये दोनों काम मेरे हो जाएंगे और फिर हम पढ़ेंगे मगरिब की नमाज और फिर हम बनाएंगे रोटी। हाँ जी, जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जाएँ बेटा, अल्लाह हाफिज़, जाओ जल्दी से चले जाओ, अभी 6:20 हुए हैं। बिस्मिल्लाह रहीम, जैसे हमने इसमें ऐड करना तो इसको अच्छी तरह चम्मच चला दें। और कलर देखें जितना प्यारा ऐसा कलर आया ना, और अभी ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, पार्टी के हाल देखें, मुझे लगता है आप लोगों ने ठंडा होने का वेट नहीं किया है ना। ठंडा हुए कि नहीं, पक्का? टेस्टी, मुझे लग रहा है ठंडा हो चुका है, वैसे तो हाथ लगाओ तो अभी भी गर्म है। ठीक है भैया, आप लोग एंजॉय करो मेरी जान। मिट्टू शोर में जा रहे हैं कि ये क्या खा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे जी।
फ्रेंड्स, तो मैं इस वक्त क्यों रेडी हूँ, मैंने ये अबाया क्यों पहना हुआ है, क्योंकि मैं जा रही हूँ जी अपना दांत निकलवाने। मेरे पिछले दिनों इतना ज़्यादा इशू था, मेरा गला भी एक साथ ख़राब था और ये दाढ़ का प्रॉब्लम भी, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। और यहाँ पर इतनी की स्वेलिंग थी कि ना कुछ खाया जा रहा था ना कुछ बोला जा रहा था। तो खैर अब जाके गला मेरा ठीक हुआ है, एक हफ्ता भी 10 दिन लग गए हैं, तो अब मुझे कन्फर्म हुआ है कि ये मेरे दांत का इशू भी है। तो अब मुझे जाके इसको रिमूव करवाना है, तो बस जल्दी जल्दी खाना खाया है, चाय पिए, क्योंकि फिर मेरे से 1.5-2 दिन कुछ नहीं खाया जाना। चलो ठीक है जी, चलते हैं डेंटिस्ट के, और फिर मैं इसके बाद बोल नहीं सकूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी ब्लॉग बना लूँ, हो सकता है बनाऊँ हो सकता है ना बनाऊँ। और इधर तलहा भी सो गया खाना खाते खाते ही, और हुरैन भी सो गई है, और बस मैं चाय पी लूँ। तो चाय जैसी मेरी फिनिश होती है तो हम लोग निकलते हैं, तो फिर आगे आपको दिखाती हूँ। और मेरे दांतों का वाकई बहुत इशू है, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल में एक दफ़ा मुझे दांत निकलवाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अब रमज़ान भी आ रहा है तो रोज़े ना डिस्टर्ब हो जाए, इस काम को पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो बस ठीक है, चलते हैं। इससे मैं आ चुकी हूँ, अभी उन्होंने मेरे मेडिसिन रखी है और साथ में मुझे दी है मेडिसिन खाने के लिए। ये मैंने 2-3 दिन खानी है और इसके बाद होगा एक्सरे, और बहुत लंबा प्रोसीजर है, मतलब पूरा सर्जिकल इशू है। और दांत जो उन्होंने निकालना है ना, उसके तकरीबन वॉल्स हैं ही नहीं, तो अभी स्वेलिंग ख़त्म करेंगे, उसको सही करेंगे, उसके बाद फिर जाके दांत निकलेगा। तो बस दुआ कीजिएगा रमज़ान से पहले पहले मेरा ये मसला हल हो जाए, ताकि मैं रोज़े अच्छे से रख सकूँ। और ये हुरैन क्या कर रही है, हुरैन खा रही है चॉकलेट, और अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि मैंने नहीं रखा, मैंने बहुत ज़्यादा ना तुलसी खाई जी, क्या कह रही हो, ओके क्रीम क्रीम, मज़ा आया। तो बस जी, बस मैंने पहले से केयर नहीं की थी, और उस पारियों का पहले से दांत ब्रेक होते थे, केयर नहीं की, और एक भी दांत का बहुत ट्रीटमेंट हो जाए ना, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, जब सब्सक्राइब कर दें, और अपने दांतों का भी ख्याल रखा करें और अपना भी ख्याल रखा करें। यस, तो हुरी भी अभी चॉकलेट खा कर ब्रश करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा हो चुका है कस्टर्ड खाने का टाइम, और हम लोगों ने तकरीबन लेट गए थे, तैयारी कर ली थी कि अचानक से राफे को याद आया कि मम्मा कस्टर्ड तो हमने खाया ही नहीं। तल्ला को आप ऐसे ही कहो, तल्ला को याद आया इसको, आया नहीं मीठा आप लोगों का ही बनाया था, तो बस सबको अचानक याद आ गया। अच्छा जी, चले जी बिस्मिल्लाह। और मुझे ना ऐसे ऐसे थिक कस्टर्ड पसंद है, जैसे पुटिंग होती है, और वो क्या कहते हैं इसका मज़ा ही अलग होता है, ये ज़रा थिक सा अच्छा लगता है, और ठंडा होने के बाद ना इस तरह ज़बरदस्त सेट हो जाता है ये। अच्छा जी, उठाई जो, यम्मी यम्मी, किसके मुंह में पानी आ रहा है। और मैंगो वाले का टेस्ट वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है, और इसलिए भी मैंगो वाला टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंगो का सीज़न का वेट है और आ रहा है। 5 मिनट भी नहीं लगे और सिर्फ पाया हो गए। आसिफ ने पहले खाया है, और ये अली ने भी खा लिया है, और ये राफे भी खा रहा है, और राफे नींद में भी है साथ साथ। इतनी बड़ी बाइट आपके लिए बनाई, नहीं नहीं आप खाओ। और ये देखिए जी, मैं तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा लेके इंजॉय कर रही हूँ, और मीठा भी परफेक्ट है, और ये देखिए सॉफ्ट है, ये हार्ड नहीं है कि जैसे कहे ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं। ये हुरी खा रही है, आप खाओ हुरी। अच्छा फ्रेंड्स ने खा लिया, हुरी के हैंड से खा लिया।